उज्जैन के मालीपुरा स्थित 100 साल पुराने लक्ष्मी नारायण व नौ नारायण मंदिर का 1 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। माली समाज के लोगों ने जन सहयोग से सफेद मार्बल से इसका निर्माण कराया। करीब 3 साल तक राजस्थान के कारीगरों ने इस मंदिर को मूर्त रूप दिया। शनिवार से 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हुआ, जिसके तहत दोपहर 2 बजे रामघाट से भव्य रथ यात्रा निकले। इसमें भगवान की प्रतिमाएं सुसज्जित रथ में सवार थी और सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश लेकर रथ यात्रा में शामिल हुई। उज्जैन के 100 साल पुराने मालीपुरा में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास छाया हुआ है। समाज के घर घर में उत्सवी माहौल है, सभी तैयारियों में जुटे थे। मंदिर के बाहर 5 कुंडीय अस्थायी यज्ञशाला बनाई है। प्रतिदिन हवन अनुष्ठान इसी में होंगे। 5 दिनों तक प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम होंगे। 20 जून को समापन होगा। श्री गुजराती रामी माली समाज के संयोजन में आयोजित महोत्सव में प्रतिदिन शाम 7 बजे से भक्ति संध्या व 2 दिन तक मार्च का आयोजन होगा। समाज अध्यक्ष पुरुषोत्तम पटेल व महोत्सव समिति अध्यक्ष सत्यनारायण चौहान के अनुसार रामघाट से निकलने वाली रथ यात्रा में हाथी घोड़े बग्घी ऊंट बैंड के साथ फूलों से सजा विशेष रथ शामिल किया जाएगा। हजारों की संख्या में महिलाएं कलश लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यात्रा मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा का समाजजनों ने जगह जगह स्वागत किया। शोभा यात्रा में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं नौ नारायण की प्रतिमाएं ध्वज व शिखर आकर्षण का केंद्र रहे। 5 दिवसीय उत्सव में सदगुरु कबीर भक्त मंडल द्वारा भजनों की प्रस्तुति, ज्वाला ग्रुप देवास की भजन संध्या, मालीपुरा सांस्कृतिक माच कला केंद्र द्वारा महाकवि कालिदास के माच की प्रस्तुति दी जाएगी। 20 जून सुबह 9 बजे मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ पूर्णाहुति व महाआरती होगी।